कोई नीचे नहीं उतरेगा। डेड बॉडी को लोकेश हो रहे था सान्याल सान्याल छोड़ो मैं छोड़ो ग्रामेर लोके देर डाको चुप छोड़ो ए अदालत एकोन देवाशीष राय चौधरीर विचार करबे नंदीपुरेर অতীতের জমিদার অভিযুক্ত দেবাশিস রায় চৌধুরী এবং তার মেয়েকে এক্ষুনি আদালতের সামনে হাজির করা হোক। আমি তোমাকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি, যদি কিছু বলার থাকে তো বলো। বলবো কি বলবো? এই ছাড়। চাও তুমি? আমি এই নন্দীপুরের জমিদার, তুমি তো একজন খুনি। আমার বাড়িতে জোর করে ঢুকে আমার জামাই, আমার পরিবারের সকলকে এক এক করে খুন করছো। একজন মানুষের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি সম্পত্তি থাকো সেটা বিপ্লব স্বীকার করে না। আর তুমি তুমি তোমার সম্পত্তি বেআইনি ভাবে সাধারণ মানুষের রক্ত শুষে বানিয়েছো। আমি এর বিচার চাই, সত্যিকারের বিচার। তোমাদের সাহস আছে সত্যিকারের আদালতে যাওয়ার? বিচার সেটাই হবে যা আমরা শোনাবো। তুমি সত্যিকারের আদালতে যাবার কথা বলছো? জনতার আদালতের থেকে বড় আদালত আর কিছু নেই। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। গ্রামে গ্রামে খবর পাঠিয়ে দাও, জমিদারের মেয়ে শ্যামলী যেন কোথাও পালাতে না পারে। যাও, আর কতক্ষণ? সকাল হতে দাও। रात्रेर अंधकारे कुत्ता पालिए जनो ना जाए। वो सुबह का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता था कि ये अंधेरा मेरा दोस्त है, उनका नहीं। ये बरसता हुआ पानी मेरा साथी है, उनका नहीं। अब मेरे लिए एक ही रास्ता था। दाओ तुम्हारा দুজনে দিকে যাও। मारे हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। इसको हमने सर पे बिठाया, इसकी फिल्में हिट करवाई और इसने हमारे हिंदू बहन की इज्जत पे हाथ डाला। पिछले एक घंटे से आप यही कह रहे कमिश्नर साहब, कब आएगी पुलिस? हमारी सिक्योरिटी को घायल कर दिया उन्होंने। मॉब इज गेटिंग वायलेंट, कभी भी घुस सकते हैं आप अंदर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, किसी को तो भेजिए। कोई फायदा नहीं, सिद्धू साहब को भी इसी वक्त जाना था। पापा, पापा। पापा। अच्छा लगा, खरीद लिया। दिन अच्छा था, गृह प्रवेश कर लिया। अब फर्नीचर जर्मनी से आ रहा है, कारपेट पर्शिया से आ रहा है और पता है झूमर बेल्जियम से आ रहा है। आओ समीर साहब आओ। अरे पंचाल, हाँ जी, समीर साहब को प्रसाद दो। आज मैं यहाँ प्रसाद लेने नहीं, गायकवाड़, तुझे प्रसाद देने आया हूं। आइए आइए, अंदर चल के बात करते हैं। अरे आप लोग जलपान कीजिए। चटा प्लीज, आइए आइए। क्या है? आइए आइए, आप लोग जलपान कीजिए। आइए मेरे साथ, आइए। आप चाहता क्या है तू? बोल, क्या करना है? अकेला आया, बोल। हाँ, ऊपर चल के बात करते हैं। आइए। जब कुछ नहीं कर पाया तो लड़की को सामने कर दिया। लड़की की आड़ में चुपके लड़ता है ना मर्द। समीर, आवाज नीचे। उस रात कान पे बजा के गया था, आज कान के नीचे बजाऊंगा। और ऐसा कि 3 दिन तक हर चैनल में उसकी आवाज गूंजती रहेगी। घुंटे बेचता है, पत्थर फेंकवाता है। It's all right. It's all right. खबरदार, आइंदा अगर तेरी वजह से मेरी बीवी या बच्चे की आंख में आंसू आया तो तेरा वो हश्र करूंगा क्या हर हफ्ते घर बदलता फिरेगा ऐसे ही। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो तुझे पता है गायकवाड़, फिर मैं पूछता नहीं कि बाथरूम किधर है। गायकवाड़ जी, ये सब क्या हो रहा है? गायकवाड़ साहब, समीर खान क्या बोल रहे थे? और वो बाथरूम वाली क्या बात बता रहे थे? नहीं, वो तो ये बता रहे थे वास्तुशास्त्र के नियम। जीजा जी, अच्छा वो चला गया, सिर्फ कांच ही तोड़ के गया। मुझे तो डर लग रहा था कि पिछली बार की तरह हॉल में फिर से पेशाब ना कर दे। वो तो तू कर रहा है अभी। जीजा जी, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे प्यार में, और तुम मुझे अब बता रही हो कि क्यों सरगम, क्यों? ठीक है सरगम, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, लेकिन यह भी सच है कि जीते जी मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम्हारी मुश्किल को आसान करने का एक ही रास्ता है मेरे पास। अपनी जान देकर मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हें मुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। नहीं तारक, ये क्या किया तुमने तारक? क्यों किया ऐसा? इस तरह अपनी जान दे देना पागलपन है तारक। पागलपन नहीं, दीवानगी है, दीवानगी। और देखो ना, मेरी इस दीवानगी ने तुम्हें भी कितना दीवाना बना दिया। वरना मेरी मौत पे तुम इस तरह तड़पती क्यों, रोती क्यों? सरगम! क्या कहा था तुमने? तुम्हारी जिंदगी में अब राज आ गया, इसलिए तुम अगर राजी ना रहे तो। सरगम!